Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. These are the products, summer essentials you all need for your skin care. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा बूथा देख लें, आई मीन मेरी स्किन देख लें. और ये स्किन पे जो इतना बड़ा सा आपको जो पिंपल नज़र आ गया, यार होता नहीं है, हो गया है क्योंकि मैं बहुत खतरनाक किस्म की डाइट और कहवे यूज़ कर रही हूँ. सो यस, और स्टार्ट करते हैं बैरूज के इस फेस वॉश से. यार फेस वॉश जो है ना, उधम बनाया है इन लोगों ने. उधम जो होता है ना, उधम वाकई उधम है यार. अभी मैं इसका टेक्सचर चेक कर रहा हूँ कि यार इस कदर हसीन टेक्सचर है. और ये अगर एक बार के वॉश से यूज़ करने के बाद आपको ना लगे कि आपकी स्किन वाकई ग्लोई हो रही है या रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, पैसे वापस मैं दूँगी आपके पैसे. बट ट्रस्ट मी, बहुत हसीन है. आप इसका इसकी कंसिस्टेंसी देख लो, मतलब इतना सा लेना है आपको और आपके कितना भी बड़ा फेस हो आपके फेस पे बहुत है ये. और अच्छे से मसाज करना है, गोल गोल सर्कुलर राउंड मोशन में आपने मसाज देना है एंड यू विल सी द रिजल्ट. देन नेक्स्ट स्टेप जो है वो टोनर का है. टोनर यार ज़रूरी नहीं है किसी भी ब्रांड का हो, बायरूज का हो, कुछ भी ज़रूरी नहीं है सिवाय इसके कि आपके पास टोनर हो. टोनर रोज़ वाटर भी हो सकता है, रोज़ वाटर को आप यूज़ करें. मगर ट्रस्ट मी, अगर आप ये यूज़ करेंगी ना, एक महीना यूज़ करें, आपकी स्किन पे वाज़े फ़र्क होगा. क्योंकि यार डबल टोनिंग जो होती है ना, वो टोनर ना यूज़ करने की वजह से होती है. एक महीना यूज़ करें, रिजल्ट देखें और देन यार थैंक यू मुझे बोल दिएगा. अच्छा, इनका टर्मेरिक टोनर है यार, मगर बहुत हसीन खुशबू है, हसीन तरीन खुशबू है. लगा के अच्छा फील होता है, मतलब खुशबू अच्छी होनी चाहिए. अच्छा यार, ये इसके साथ को नेचुरल का फेस वॉश भी ऐड कर रही हूँ मैं, पहले लगाना भूल गई थी. को नेचुरल के प्रोडक्ट्स इस कदर अच्छे होते हैं, हसीन होते हैं. इसके मेरे पास फेस स्क्रब भी है, केमिकल से फ्री होते हैं और यार बड़े जेंटल होते हैं आपके फेस पे. तो मैं अगर आप ये नहीं ले सकते तो आप ये वाला फेस वॉश भी ट्राई करें. ये देखें, ये भी बिल्कुल वही कंसिस्टेंसीज की वही है, थिक सी थोड़ा सा लेंगे बहुत है. और बेस्ट पार्ट ये है कि यार ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए. नेक्स्ट जो है मेरे पास हाइलोरनिक एसिड का, मैं पहले तो पॉन्ड्स का यूज़ करती थी, अभी भी करती हूँ, ख़त्म हो गया इसलिए मैंने लगाया नहीं. ऑन एंड ऑफ दोनों चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ, उसकी पिक्चर मैं शेयर करूँगी. और ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ बीबीए का, ये हाइड्रेटिंग 24K गोल्ड मॉइस्चराइज़र. इसके अंदर हाइलोरनिक एसिड है और ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा. और मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा. ये इसकी कंसिस्टेंसी है, थोड़ा एक पंप बहुत है, बहुत ज़्यादा होता है ना ही बहुत ज़्यादा ग्रीसी करेगा ना आपके फेस पे ऑयल से आएगा. ये बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, सन ब्लॉक. यू ऑल नो हाउ मच आई लव दिस सन ब्लॉक. मैं इसका कितना यूज़ करती हूँ यार, इसकी एक वाइट कास्ट है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती बट मुझे यूँ पसंद है क्योंकि वाइट कास्ट के साथ अगर आप गर्मियों में आपको मेकअप करने का दिल नहीं करता तो आप सिर्फ ये लगा के अपनी स्किन केयर करने के बाद सनब्लॉक लगा लो एंड देन यू कैन यूज़ कॉम्पैक्ट ऑन योर फेस, तो आपका बड़ा अच्छा सा गुड टू लुक हो जाता है. और ये वाइट कास्ट जो है ना, अच्छा सा ब्लेंड करने के बाद ये वाइट नज़र भी नहीं आता, ऐसा लगेगा कि आपका बड़ा क्लीन सा और आपने कुछ हल्का फुल्का सा कुछ फाउंडेशन वगैरह लगाई हुई है, इस तरह का लगेगा. Well, this is all you need for summer and summer's essential skincare is this right now for me at least. और कुछ और चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर भी इनके साथ भी आप बाय द वे इग्नोर करिएगा बैकग्राउंड आवाज़ों को, क्योंकि देसी फैमिलीज़ में आपको कोई प्राइवेसी नहीं देता. Well, if you love this video, please like, comment.